दिनों श्रीलंका सबसे बुरे संकट से गुजर रहा है। देश गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। श्रीलंकन ब्यूटी अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने अपने हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट में अपने देश के लिए समर्थन दिखाया है। एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में लिखा कि उन्हें उम्मीद है कि यह स्थिति जल्द ही खत्म हो जाएगी। अपने लंबे नोट में जैकलीन ने लिखा, एक श्रीलंकाई के रूप में यह देखना दिल दहला देने वाला है कि मेरा देश और देशवासी क्या कर रहे हैं। जब से यह दुनिया भर से शुरू हुआ है, तब से मैं बहुत सारे विचारों से भर गई हूँ। मैं कहूँगी, निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें और जो दिखाया गया है उसके आधार पर किसी भी समूह को बदनाम ना करें। दुनिया और मेरे लोगों को दूसरे फैसले की जरूरत नहीं है, उन्हें सहानुभूति और समर्थन की जरूरत है। उनकी ताकत और भलाई के लिए 2 मिनट की मौन प्रार्थना आपको स्थिति की ढीली समझ के आधार पर एक टिप्पणी की तुलना में उनके बहुत करीब लाएगी। इस बीच वर्क फ्रंट की बात करें तो जैकलीन अगली बार राम सेतु और विक्रांत रोना में दिखाई देंगी। ग्लैमर और खूबसूरती की बात आए और बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा गुप्ता का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। हाल ही में ईशा का बोल्ड और सेक्सी अवतार फेमिना ब्यूटीफुल इंडियन अवार्ड 2022 के रेड कार्पेट पर देखने को मिला। ईशा के शो में आते ही सबकी निगाहें उन्हीं पर टिक गई। ब्लैक रिवीलिंग गाउन पहने ईशा काफी ग्लैमरस और काफी खूबसूरत लग रही थी। एक्ट्रेस के गाउन के बैक पर जालीदार कपड़ा लगा हुआ था जो एक्ट्रेस को हॉट लुक दे रहा था। टाइट पोनी और लाइट मेकअप के साथ एक्ट्रेस हाई हील्स पहनी हुई थी। वर्क फ्रंट की बात करें तो ईशा जल्द ही आश्रम के नए सीजन में नजर आने वाली हैं। अपने शूटिंग शेड्यूल के बारे में ईशा का कहना था, आश्रम की शूटिंग पूरी हो गई है। हम एक्चुअली और 3 दिन में अपनी डबिंग शुरू कर रहे हैं, विच आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट, बिकॉज आश्रम एक ऐसा शो आई थिंक बहुत लोग वेट कर रहे हैं उस शो के लिए। क्या जब जब बाबा जी आते दिखे जब नाम बोला, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था बिकॉज आई ऑलरेडी शॉट विद प्रकाश सर, चक्रव्यूह की थी मैंने उनके साथ। सो इट वॉज ऑलमोस्ट कमिंग बैक टू द सेम इंस्टीट्यूशन, मगर तब मैं बहुत डरी थी चक्रव्यूह के टाइम पे क्योंकि प्रकाश जा, पर इस टाइम में ईशा गुप्ता बन के गई तो डर नहीं था। सेट बहुत अच्छा, यू नो दे आर ग्रेट एक्टर्स ऑन सेट, बहुत बड़ा यूनिट है हमारा बिकॉज आपने आश्रम देखी है, एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग कैरेक्टर। ऐसे शोज इट्स बीन इन कॉन्ट्रोवर्सी बट इट्स बीन रियली नाइस टू बी अ पार्ट, थैंक यू। वाणी कपूर भी यहाँ अपने ब्लैक ऑफ शोल्डर गाउन में पहुंची जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही थी। तो आप हमें बताएं कि वाणी और ईशा में से किसके ग्लैमरस लुक ने आपको ज्यादा इम्प्रेस किया। अभिनेत्री तापसी पन्नू भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान मिताली राज की बायोपिक शाबाश मिठू से धमाल मचाने को तैयार है। हमेशा कॉन्फिडेंस दिखने वाली तापसी का कहना है कि वह अपनी इस फिल्म को लेकर काफी नर्वस है। बस अब रिलीज हो जाए, होने वाली है बहुत जल्द, तो अभी पता चल जाएगा। अभी फिलहाल तो मैं बहुत नर्वस हूँ उसको लेके क्योंकि मैंने खुद देखी नहीं है पिक्चर अभी तक, और मेहनत बहुत करी है। मतलब तेल निकालने वाली मेहनत होती है ना, वो मेरा तेल निकल गया था। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग, अभी आई थिंक आई विल सी इट सून एंड देन द वर्ल्ड विल सी इट एज वेल। तो वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग फिल्म्स यार मेरे लिए, मतलब काफ़ी जान लगी है पिक्चर में। तापसी ने यह बात हाल ही में तब कही जब वह फेमिना ब्यूटीफुल इंडियन अवार्ड 2022 के रेड कार्पेट पर मौजूद थी। श्रीजीत मुखर्जी की फिल्म शाबाश मिठू भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान मिताली राज की जिंदगी के साथ साथ भारतीय महिला क्रिकेट टीम के इर्द गिर्द घूमती है। मिताली राज ने भारतीय टीम का 4 वर्ल्ड कप में प्रतिनिधित्व किया है। फेमिना ब्यूटीफुल इंडियन अवार्ड 2022 की बात करें तो तापसी के अलावा यहां ताहिरा कश्यप, आयुष्मान खुराना, वाणी कपूर, रणवीर सिंह, रश्मि देसाई, अरमान मलिक, मानुश्री छिल्लर, अमान मलिक, शांतनु महेश्वरी, शफाली शाह, ईशा गुप्ता, दिव्या खोसला,
प्राजक्ता कोहली, संजीव कपूर, पायल घोष, तेजस्वी प्रकाश, गौरव तनेजा और ऋतु राठी सहित कई अन्य सेलिब्रिटीज मौजूद थे। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत जोड़ियों में गिनी जाती है। दोनों इन दिनों अपनी शादी की खबरों को लेकर चर्चा में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रणबीर आलिया 17 अप्रैल को शादी रचा सकते हैं। रणबीर और आलिया की शादी की रस्में 13 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो दोनों की बैचलर्स पार्टी तक के प्लान का अपडेट दिया गया है। बैचलर पार्टी में रणबीर ने कई फिल्मी स्टार्स को इनवाइट किया है, जिनमें से कुछ के नाम सामने आ चुके हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार बैचलर पार्टी में रणबीर के खास दोस्त अयान मुखर्जी के अलावा अर्जुन कपूर और आदित्य रॉय कपूर भी शामिल होंगे। रणबीर के बचपन के दोस्त भी बैचलर पार्टी का हिस्सा होंगे। कहा जा रहा है कि रणबीर यह बैचलर पार्टी अपने घर पर ही रखेंगे। बताया जा रहा है कि आलिया और रणबीर पंजाबी रीति रिवाजों से शादी करेंगे। आलिया रणबीर की शादी की खबरों के बीच सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है, जिनमें कई फनी तस्वीरों के साथ आलिया रणबीर को शादी के जोड़े में दिखाया जा रहा है। आलिया और रणबीर ने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म ब्रह्मास्त्र के फाइनल शेड्यूल की शूटिंग को खत्म कर लिया है। फैंस को जितना आलिया रणबीर की शादी का इंतजार है, उतना ही इंतजार उन्हें दोनों की फिल्म ब्रह्मास्त्र का भी है। राकेश रोशन द्वारा निर्देशित कहुना प्यार है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी। 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉलीवुड में ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल को लॉन्च किया और फिल्म ने ऋतिक और अमीषा को रातों रात स्टार बना दिया। हाल ही में एक उद्घाटन समारोह में जब अमीषा से कहुना प्यार है के सीक्वल के बारे में पूछा गया तो अभिनेत्री ने कहा, Well, you'll have to ask Mr. Rakesh Roshan that because unfortunately I am neither the director nor the producer. But yes, I know my fans and the fans of Kahona Pyar Hai would love to see Ritik and me back with Kahona Pyar Hai 2. Ritik and I came back in another film, Aap Mujhe Achhe Lagne Lage, but fans were lacking us in Kahona Pyar. I think that nostalgia is what they really look forward to. So never say never. Yeah. अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो अमीषा अगली बार गदर 2 में दिखाई देंगी। फिल्म को लेकर अपने उत्साह को साझा करते हुए अमीषा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सीक्वल को भी पहले भाग की तरह ही प्यार मिलेगा। How excited are you for the movie? Well, I am just hoping and praying that the amount of love Tara and Sakina received for Gadar 1, the audiences give us as much love and adoration for Gadar 2. बाकी सब तो भगवान के हाथों में है, हम मेहनत कर रहे हैं, so let's just hope कि मेहनत सफल रहे। अमीषा ने विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स की भी सराहना की। अभिनेत्री ने कहा, Well, I think every good content is important and the reason I supported it more was because people don't tend to give small films a lot of credibility. Hum hamesha bade staron ke piche bhagte hain, you know, aur ye ek choti si film thi jo bahut kam budget mein banayi gayi thi aur aaj 250 crore ki budget matlab unheard of, they're doing that much profit. It's unstoppable. It's actually taken bigger films out of the screens to replace it. So it just goes to show a good film will always work and the star and the hero of a film will always be its content more than us actors. लोकप्रिय टेलीविजन अभिनेत्री निशा रावल हाल ही में रियलिटी शो लॉकअप से बाहर हो चुकी हैं। बाहर आने के बाद निशा अपने बेटे संग समय बिता रही हैं। निशा को हाल ही में बेटे कविश के साथ पेपराजी ने स्पॉट किया। मीडिया से बातचीत के दौरान निशा ने अपनी लॉकअप यात्रा, सारा खान के साथ अपनी दोस्ती, कंगना रनौत की मेजबानी और शो में अन्य प्रतियोगियों के बारे में बात की। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस लॉकअप में? बहुत ही अच्छा रहा। आई थिंक इस तरीके का लॉकअप अगर हर इंसान की लाइफ में हो, सो इट्स गोना बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। बहुत टफ था इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस या जो भी फैसिलिटीज़ थी जेल के अंदर,
बहुत ही डिफरेंट थी, बट अपने आप को इन चैलेंजेस के से गो थ्रू करते हुए आई थिंक मुझे भी अपने आप को परखने का एक मौका मिला. आई डोंट थिंक मैनी पीपल गेट दीज अपॉर्चुनिटीज इन देयर लाइफ लाइफ टाइम एंड इट वॉज़ फन. लेकिन बहुत तरीके के लोग थे एंड उनसे डील करना पड़ा. आई थिंक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे लोग, एक ज़िंदगी लग जाती है ऐसे लोगों से मिलने के लिए या समझने के लिए हाउ यू शुड डील विद देम. सो इन 5 weeks इट वॉज़ अ ह्यूज लर्निंग प्रोसेस फॉर मी. इट वॉज़ फन. आपको कंगना मैम के बारे में क्या कहना है? हाउ वाज एक्सपीरियंस वर्किंग विद हर? आई थिंक कंगना हैज़ बीन सो अमेजिंग. हर वीकेंड में जब हमारा चार्जशीट वाला दिन होता था, जजमेंट डे, मैं हमेशा लुक फॉरवर्ड करती थी कि इस हफ्ते कंगना क्या बोलने वाली है. एंड वीक आफ्टर वीक शी हैज़ ओनली बीन वेरी पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग दैट आई हैव डन इन द जेल इन द लॉकअप. तो मुझे हमेशा एक गाइडिंग फोर्स नज़र आता था उनमें, चाहे वो जितना भी बोले आई एम नॉट हियर टू मॉरल पुलिस एनीबॉडी, बट जो मैं चाहती थी या जो मैं कंफर्टेबल थी अपना साइड शेयर करने में, आई थिंक दैट ट्रूली केम आउट. एंड आई डोंट थिंक हाउ द होल एक्सपीरियंस वुड हैव बीन अगर कंगना नहीं होती. तो आई थिंक शी इज़ अमेजिंग. उनसे बेटर कोई होस्ट नहीं हो सकता ऐसे शो के. अच्छा, किसके साथ आप सबसे ज़्यादा क्लोज थे उस शो में एंड किसके बारे में? आई थिंक सारा से सबसे ज़्यादा मैं क्लोज थी. मैं बहुत रिलेट कर पा रही थी उनसे, क्योंकि शी सच ए स्वीट गर्ल. जैसी वो मुँह पर है वैसी वो पीछे से है. एंड बाकी लोग आई एम श्योर एट सम ऑफ द अदर पॉइंट मुझे झटका लगा है उनके बिहेवियर से कि लेकिन ये तो ऐसे नहीं है या ये तो ऐसे नहीं बोलते या इनकी वाइब्स तो मेरे साथ ऐसी नहीं है. और अब मैंने शो देखना शुरू नहीं किया है. मैं देखना जब शुरू करूँगी तो मुझे ज़्यादा बेटर पता चलने लगेगा, क्योंकि मैं अंदर थी, एक आउटर पर्सपेक्टिव मिल जाएगा. बट यस, सारा वॉज द क्लोजेस्ट. आई वॉज क्लोज टू साइशा, आई वॉज क्लोज टू तहसीन, शिवम से बहुत क्लोज थी. एंड उनके सारे वो मॉर्निंग के जो मेरे लिए एग्स बनाते थे वो सब मैं मिस करती हूँ. टुडे व्हेन आई हैड माय ब्रेकफास्ट आई वॉज रिमेम्बरिंग हिम. बट सारा आउट ऑफ ऑल द पीपल. आपको बता दें कि बीते साल निशा रावल काफी सुर्खियों का हिस्सा रही थी. उन्होंने अपने पति करण मेहरा पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था और FIR भी दर्ज करवाई थी. उसके बाद से निशा और करण अलग अलग रह रहे हैं. दोनों का एक बेटा भी है जो निशा के साथ रह रहा है. बिग बॉस 15 की विनर बनने के बाद से तेजस्वी प्रकाश काफी सुर्खियों में छाई हुई है. इन दिनों वह एकता कपूर के पॉपुलर शो नागिन 6 से भी सुर्खियां बटोर रही हैं. शो हिट हो चुका है, जिसका फायदा शो के निर्माताओं के साथ साथ पूरी टीम को हो रहा है. अपनी इस सफलता के चलते तेजस्वी हाल ही में नई ऑडी Q7 खरीदने पहुंची. उनके साथ उनके बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा भी मौजूद थे. नई ऑडी खरीदने के बाद तेजस्वी ने शोरूम में ही नारियल भी फोड़े और गाड़ी पर स्वास्तिक बनाया और आरती की. करण ने इस खास मौके के एक एक पल को कैमरे में कैद किया. गणपति पप्पा मोरिया. गणपति पप्पा मोरिया. ओके, नाउ नाउ इट्स डन ना. सारा हो गया. कोकोनट किधर है? कोकोनट है बिहार पे लगाना है. हां, हार लेके आना. अभी ये बंद करना है. नहीं, हार लगा दे ना. हार लगा दे, बंद करके हार लगा. कोकोनट. हाँ, ये लो. कोई ईट रख दो यहाँ पे. जी, इसमें शुरू में शुरू क्लोज बहुत अच्छा. हाँ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, असरदार एकदम. फाइव टाइम्स, फाइव टाइम्स राउंड एंड देन कोकोनट. ओ गणपति बप्पा, व्हाट इफ इट डजंट ब्रेक? क्लॉक वाइज. वेट, आई एम वेइंग अ टाइट दिस थिंग. हाउ डू आई डू इट? हां, दिस ना. हां, वेट, फर्स्ट सेट सिटिंग में कर सकते हैं वाला. बट जब वो टूट जाएगा तो उसको ऊपर लेके जाना है. बट वेट, इधर पत्थर रखना चाहिए. हम लोग गणपति के पास पत्थर रखते हैं. नहीं, इस पे तोड़ दो. इसलिए टाइलेट टूट जाती है. महंगी टाइलेट ऐसे ही अपने आप पे था इंपैक्ट. अब नर्वस हो गई. गणपति बाबा
ऊपर लेके जा गणपति बप्पा मौर्या गणपति बप्पा मौर्या करण सर अब भी बैठे ना करण सर अब भी आ जाए ना उठो उठो कार खरीदने के बाद अपनी नई कार से तेजस्वी फेमिना ब्यूटीफुल इंडियंस अवार्ड 2022 में भी शामिल होने पहुंची। यहां तेजस्वी अपने ग्लैमरस अंदाज में नजर आई। मेरी गाड़ी आज आई है एंड आई डिसाइडेड दैट आई एम नॉट गोइंग टू लेट एनीबॉडी ड्राइव इट। तो आई थिंक दिस माइट बी द फर्स्ट पर्सन ड्राइविंग इन अ गाउन। मैं खुद गाड़ी चला के आई हूँ। सो आई हैव ड्रिवन टू द अवार्ड्स टुनाइट इन माय गाउन इन माय हील्स एंड आई हैव कम टू द अवार्ड्स एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट दैट। आई थिंक दैट्स वेरी बैड एस। बैठने का येस ऑफ कोर्स सबसे पहला मौका ऑब्वियसली करण को तो है ही बिकॉज ही वॉज विद मी व्हेन वी गॉट द कार एंड या बस उसी वो वही काफ़ी है। एंड टुडे आई एम ड्राइविंग इट बिकॉज इट्स द फर्स्ट डे पर इसके बाद करण ही ड्राइव करेगा ये गाड़ी। आई हैव अ फीलिंग। करण और तेजस्वी की लव स्टोरी की बात करें तो वह दोनों बिग बॉस 15 से ही एक दूसरे के करीब आए थे। अब फैंस को दोनों को एक साथ स्क्रीन पर साथ देखने और दोनों की शादी का बेसब्री से इंतजार है। I like it. Never miss an update.